not open your book. When I'm teaching you, don't open your book because you will get confused because every book is different. Right? Har kisi ka writing answer is different. Over here, of course, fixed exchange rate is given, but over there, fixed exchange rate is given, but of course, the way of writing the answer is different. So, agar yahan pe statements dekhoge, wahan pe statement dekhoge, get confused. Okay? So, better don't open book when I'm teaching. Just whatever I'm teaching, just follow that and write it in your notebook. Okay? And read it from there. At the end, from your book, we will say like, okay, so Vivek, this we did, we will do it from your book. Okay? But first, okay. We will finish the note making. First, we will learn the chapter and uske baad. Okay? Okay. Okay. Now, let us start with the first chapter called Foreign Exchange and Foreign Exchange Rate. So, jab bhi ye word aata hai, foreign exchange, right? So, foreign exchange means, for example, somebody is living in India and somebody is living in US. Okay? So, let's see. For example, this is person A, this is person B. This person is living in India and this person is living in US. Okay? This person went to US. Okay? अब यूएस में अगर वो खर्चा करेगा तो ही विल डू इन इंडियन रुपीस और डॉलर्स वो ओके इंडिया से यूएस से करा तो वो डॉलर में खर्च करेगा डॉलर में ऑब्वियसली डॉलर राइट सो अब उसके पास डॉलर तो इन इंडिया ही विल नॉट गेट डॉलर राइट इंडिया में तो डॉलर नहीं होते बिकॉज इंडिया में तो वी आर यूजिंग रुपीस यस राइट तो जब वो यहाँ पे गया तो ऑफकोर्स ही इज फेसिंग डिफिकल्टी सो जब भी कोई इंटरनेशनली फ्लाई करता है आई थिंक यू आर वेल अवेयर They exchange their note. They'll give the Indian currency and in return they'll get the dollars. Right? Yeah, for ma'am. example, उसने 100 रुपए 84 रुपीज दी whatever the for example 84 or 81 something is the rate of dollar. उसने 84 रुपीज दिए तो उसको क्या मिला एक डॉलर मिला क्लियर Yes, ma'am. ओके सो दिस इज व्हाट Yes. सिमिलरली उसने ऐसे करके डॉलर्स कलेक्ट कर राइट सो ये इसी को कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज राइट सो व्हाट ही इज डूइंग ओवर हियर ही इज एक्सचेंजिंग द करेंसी फ्रॉम हिज ओन डोमेस्टिक करेंसी राइट बट अगर मैं इसमें लगा देती हूँ एक टर्म फॉरेन एक्सचेंज रेट तो रेट मतलब वो आपको उस टाइम पे बताएगा कि एक डॉलर के लिए आपको 84 रुपीज पे करने पड़ेंगे राइट फॉरेन एक्सचेंज इज अ प्रोसेस In which you are exchanging, you are giving your currency and in return you are getting their currency. But जब मैं rate word लगा देती हूँ उसका मतलब है कि वो आपको rate बताएंगे कि आपको एक डॉलर के बदले कितने इंडियन रुपीज देने पड़ेंगे या एक रुपीज देने के लिए आपको कितने डॉलर देने पड़ेंगे क्लियर Yes, ma'am. Okay. So now let's just understand the definition. So foreign exchange, ma'am, foreign exchange क्या है सो फॉरन एक्सचेंज रिफर्स टू सम ऑफ द टोटल स्टॉक ऑफ फॉरन करेंसी सो जब आपके पास बहुत सारी फॉरन करेंसीज हो जाती है देन यू आर रेडी टू एक्सचेंज राइट या सिक्योरिटीज बॉन्ड इश्यूड बाय फॉरन कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट दो चीजें पहली करेंसी सेकेंड वो सिक्योरिटी भी हो सकती है वो बॉन्ड भी हो सकता है जो फॉरन की गवर्नमेंट ने या कॉर्पोरेट ने इशू करा क्लियर सो फॉरन एक्सचेंज मीन्स फॉरन एक्सचेंज सम होता है दोनों का एड कर दोगे तो फॉरन एक्सचेंज बन जाएगा क्या क्या फर्स्ट फॉरेन करेंसीज सेकंड सिक्योरिटीज या बॉन्ड बॉन्ड साइन करते हैं ना जैसे आप और मेरे बीच में एक बॉन्ड साइन हुआ है कि हम एक साल तक साथ में काम करेंगे तो दैट इज अ बॉन्ड तो वो भी अगर साइन हुआ है किसी फॉरेन कॉर्पोरेट के या फॉरेन गवर्नमेंट के बीच में दैट आल्सो कम्स इन फॉरेन एक्सचेंज ओके नाउ फॉरेन एक्सचेंज रेट सेकंड टर्म इज फॉरेन एक्सचेंज रेट सो द रेट एट विच अ करेंसी ऑफ वन कंट्री इज कन्वर्टेड इनटू करेंसी ऑफ अनदर कंट्री इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट और फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन रेट ऑफ एक्सचेंज और फॉरेन रेट ऑफ एक्सचेंज क्लियर यस मैम तो वो रेट जिसमें आपकी करेंसी दूसरी करेंसी के बदले एक्सचेंज हो सकती है उसको हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट या फॉरेन रेट ऑफ एक्सचेंज क्लियर रेट ऑफ एक्सचेंज यस मैम ये दोनों चीजें हम कर सकते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज भी समझ आ गया और फॉरेन एक्सचेंज रेट भी समझ आ गया राइट जैसे मींस मेरे मतलब जैसे दुबई का लगाएं तो दुबई में धर्म है एक इंडिया के दुबई का एक दरम इंडिया के 22.65 उसका होता है पैसे का तो सो ये जो आप मुझे बता रहे हो व्हाट इज दिस दिस इज अ इट्स अ रेट फॉरेन एक्सचेंज रेट रेट यस बट अगर मैं आपके पास फॉर एग्जांपल 10 दिरहम है तो आप या फॉर एग्जांपल इंडिया में हो तो वो आप वो फॉरेन करेंसी है आपके पास तो आप बोलोगे आई हैव फॉरेन एक्सचेंज ऑफ 10 दिरहम तेंद्रम
राइट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई बॉन्ड है, वहां की कंपनी ने आपको बॉन्ड साइन कर रखा है, तो दैट इज ऑल्सो अ फॉरेन एक्सचेंज। राइट, आप उधर जॉब करते हो और आपको एक बॉन्ड साइन कर रखा है, आपको कोई सिक्योरिटी दे रखी है, हेल्थ इंश्योरेंस या कुछ भी, तो दैट इज ऑल्सो अ फॉरेन एक्सचेंज। किसी भी लाइक फॉर एग्जाम्पल इंडिया के हो, अगर आपके पास दुबई का कुछ है तो वो फॉरेन एक्सचेंज है आपके पास, बट आप दुबई में और इंडिया का कुछ है आपके पास तो वो फॉरेन एक्सचेंज है। ओके, तो जिस कंट्री में आप हो उसकी बाहर वाली कंट्री का क्या, तो आपके पास पैसा है या आपके पास उसकी सिक्योरिटी या बॉन्ड है, वो फॉरेन एक्सचेंज कहलाएगी। क्लियर? ओके मैम, ओके, नाउ टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड, फिक्स है भाई, आपको अगर एक दिरहम के बदले 100 रुपए देने हैं तो देने हैं। राइट, सेकेंड फ्लेक्सिबल, जो चेंज होता रहता है, जैसे डॉलर है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। राइट, यस और मैनेज है, जो मतलब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वी डू द थिंग्स। क्लियर? तो ओके नाउ फर्स्ट हम पहले इतने नोट्स बनाएंगे। फर्स्ट वी विल पुट अ हेडिंग, अ मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। ओके, फॉरेन एक्सचेंज लिखोगे ये दोनों, ये डेफिनेशन लिखोगे ये दोनों, फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट लिखोगे और ये वाले डेफिनेशन लिखोगे जो मैंने ऑरेंज में हाईलाइट किए। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज करोगे और ये डायग्राम बनाओगे। ओके, जैसे फ्लो चार्ट बनाया ना वैसे बनाना। ठीक है, ओके स्टॉप मैम, फॉर द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट आई फ्रेड दिस थिंग इट इज द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन द टर्म ऑफ अनदर. इट कैन बी डिफाइंड इन टू अल्टरनेटिव वेज. Which one? फॉर फॉरेन एक्सचेंज रेट डेफिनेशन. हाँ, you have to only write this one, ओके दिस वन. ओके मैम. only the highlighted one.
एक्सक्यूज मी मैम, मैम व्हाट इज मीनिंग ऑफ मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम? मैनेज फ्लोटिंग इज यू मैनेज इट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. समटाइम्स यू कीप इट फिक्स, समटाइम्स यू कीप इट फ्लेक्सिबल. डन मैम, Now let us start with the next one called fixed exchange rate. Okay, so it refers to a system in which exchange rate for the currency is fixed by the गवर्नमेंट so यहाँ पे गवर्नमेंट विल फिक्स इट एंड यू हैव टू एग्री. आप नहीं बोल सकते नहीं नहीं मैं $1 के बदले ₹87 नहीं दूंगा. यू हैव टू गिव इट. ओके, now what is the aim why government is fixing? The main aim of the system is to fix the exchange rate and ensure the stability in the foreign exchange. अगर government ने fix कर दिया सबको मानना पड़ेगा तो एक stability रहेगी कि government ने fix कर दिया and वो. but for example जैसे school में principal कोई rules लाते हैं कि कल से white dress पहन के आनी, everybody follows. कोई बोलता है कि नहीं मैं नहीं मानूंगा नहीं, but अगर class monitor ये चीज कर दे तो everybody will be like हम क्यों माने, who are you? राइट, या मैम, तो इससे यहाँ पे गवर्नमेंट फिक्स करती है और इसका मेन मकसद है कि स्टेबिलिटी रहे बिकॉज गवर्नमेंट की बात तो सबको माननी पड़ेगी. इन द सिस्टम ईच कंट्री कीप समथिंग एज कॉमन यूनिट सच एज गोल्ड और एनी अदर प्रीशियस मेटल एज एन एक्सटर्नल स्टैंडर्ड. अब व्हाई इट इज लाइक दिस कि यू हैव टू गिव ₹84 टू गेट $1. Why it is not like ₹1 पाने के लिए $84 देना पड़ रहा है? Why dollar is more expensive than Indian rupees? Because क्या करते हैं सब लोग अपना precious amount रखते हैं like gold और ये सब. For example आपकी कर जैसे for example let's just take iPhone. In India for example 15 Pro Max 256 GB is when it launched it was for 1,60,000. यही चीज आप दुबई से लोगे तो you will get it for 1,20,000. यही चीज आप US और इन जगह से लोगे you will get it for 80,000, 90,000 as well, right? यस तो इससे ये पता चल रहा है कि हर जगह की वैल्यू अलग है, तो हर जगह का पैसा भी अलग होगा. यस मैम, तो इसके वजह से ही ये डिसाइड होता है कि $1 के बदले आपको कितना देना पड़ेगा. अगर इंडियन 84 दे रही है, मे बी दुबई 24 देगा, वट एवर द करेंसी इज, यस राइट? दिस सो विद द हेल्प ऑफ दिस द एक्सचेंज रेट विद द अदर कंट्रीज डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ डिफरेंस बिटवीन द एक्सटर्नल रेट कैप्ट बाय बोथ द कंट्रीज. सो फॉर एग्जाम्पल ओवर हेयर दुबई का जो गोल्ड था वो ₹100 का था, इंडिया का जो गोल्ड था वो ₹10 का था, तो कितना डिफरेंस आ गया 90. सो जो एक यस एक जो वो मिलेगा वो 90 का मिलेगा, ऐसे ही फिक्स करा जाओ. क्लियर? ओके व्हेन द वैल्यू ऑफ अ करेंसी इज फिक्स इन टर्म्स ऑफ करेंसी इट इज नोन एज पैरिटी वैल्यू. राइट, जब एक उसकी कीमत आप दूसरी करेंसी की कीमत के बदले बता रहे हो उसको बोलते हैं पैरिटी वैल्यू. ओके, क्लियर? तो यस फॉरेन एक्सचेंज रेट के दो टाइप होते हैं. एक तो होता है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम. इसमें क्या होता है, इन दिस सिस्टम द वैल्यू ऑफ द करेंसीज इज मेजर इन कीपिंग समथिंग एज अ कॉमन यूनिट. इन दिस सिस्टम द कॉमन यूनिट इज टेकन गोल्ड. एज आई टोल्ड यू जब आपको डिटरमाइन करना है तो आप कुछ कॉमन रखोगे प्रीशियस. तो अगर आप गोल्ड रख रहे हो तो गोल्ड उसको बोलेंगे गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम. क्लियर? सो यस ईच मैम, कंट्री कीप्स द अमाउंट ऑफ गोल्ड दे हैव एन एक्सेस एंड डेफिसिट ऑफ द गोल्ड बिटवीन द कंट्री डिसाइड द फॉरेन एक्सचेंज रेट. अगर ज्यादा है आपका तो आपकी वैल्यू ज्यादा होगी, अगर कम है तो आपकी कम होगी, लाइक दिस. और दूसरा है एडजस्टेबल पेग सिस्टम. इन दिस सिस्टम द वैल्यू ऑफ करेंसी इज पेग्ड मींस कीमत लगाई जाती है और फिक्स टू अ मेजर करेंसी. तो मेजर करेंसी के बदले पेगिंग करी कि अगर आप इंडिया के बदले खरीदोगे तो यू विल पे 84, दुबई के उससे खरीदोगे यू हैव टू पे 24, सऊदी के अरब उससे भेजोगे तो यू हैव टू गिव 29, लाइक दिस ऐसे पेग करी जाती है, फिक्स करी जाती है. Under the system, all the currency were pegged to the US dollar. Because US dollar एक क्या सबसे strong currency है. So जो सबसे strong currency होती है उसके हिसाब से आपकी pegging होती है कि strong currency के मुताबिक आपको कितना पैसा देना पड़ेगा. Clear? Okay? यस मैम, या लाइक एडजस्ट पे सिस्टम, आई डिडंट अंडरस्टैंड, लाइक रिपीट इट अगेन. Adjustable peg system is a system. देखो अब आपको fix करना है currency.
तो दो तरीके, या तो गोल्ड को रखो, सबका गोल्ड लेके आओ, सबका मेजर करो और तब डिसाइड करो कि क्या होगा फिक्स सिस्टम, राइट? या दूसरा, जो सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी है उसको बीच में रखो और उसके मुताबिक दो। जैसे 1 डॉलर, 1 डॉलर खरीदना है तो आपको इंडिया का 84 रुपीज देना होगा, दुबई का 24 देना होगा, सऊदी का 26 देना होगा, बहरीन का 13 देना होगा, ऐसे कर लो। तो दो तरीके, या तो गोल्ड रखो सबका, फिर उनका डिफरेंस निकालो और तब करो, या स्ट्रॉन्ग करेंसी को रखो और उससे कंपेयर करके सबकी वैल्यू बता दो। दो तरीके हैं जिससे आप फिक्स कर सकते हो वैल्यू किसी भी फॉरेन करेंसी, क्लियर? फॉरेन एक्सचेंज रेट आप फिक्स कर सकते हो, क्लियर? ओके यस सो यू विल क्विकली राइट इट डाउन। यूजफुल मैम। Just write it into points. I'll mark it. First point ये बनाना, ऐसे लिखना। First point, second point, because याद करने में इजी होगा। Second फर्स्ट point, पॉइंट किधर से? फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम स्टार्टिंग। ये starting till here। फिर second point यहाँ से यहाँ तक। Third point यहाँ से यहाँ तक। Fourth point यहाँ से यहाँ तक। और fifth point यहाँ से यहाँ तक। ठीक है? यस यस नाउ फर्स्ट पॉइंट सेकंड थर्ड नाउ फर्स्ट एक्सप्लेनिंग इट एक्सचेंज रेट सिस्टम रेफर्स टू द सिस्टम in which exchange rate for the
मैम थोड़ा ऊपर करना मैम, थोड़ा सा ऊपर, एक बार ये लिखना है मेरे पास के गोल्ड, नहीं, थोड़ा सा और ऊपर ऊपर गोल्ड स्टैंडर्ड, नो 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 मैम नीचे, सॉरी नीचे नीचे, हाँ बस गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। मैम वी आफ्टर दिस थिंग ऑल्सो, ईच कंट्री कीपिंग द अमाउंट ऑफ गोल्ड दे हैव टू राइट दैट वन ऑल्सो। ओके Yes, you have to write it still here. मैम।
मैम आई हैव डन, कैन यू एक्सप्लेन मी दिस, माय लास्ट वन, एग्जिस्ट पैक सिस्टम अगेन. Peg system is basically, in this system, the value of currencies is pegged, right? Pegged means there is one fixed currency and उसके हिसाब से सारी अदर करेंसी के रेट. ओके, फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स यू लाइक, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कार है, राइट? तो आपने बोला इस कार के बदले आप मुझे अपने 10 बाइक दे दो, 10 घर दे दो, 10 ऐसे करके आपने बोला. तो कार की वैल्यू के हिसाब से आप लोगों से बोल रहे हो, लाइक किसी के पास कार है, किसी के पास स्कूटर है, किसी के पास बुक्स है. तो आपने बोला अगर आप अपनी बाइक दोगे तो 2 बाइक लगेंगी इफ यू वॉन्ट टू परचेज दिस कार. किसी के पास बुक्स थे, आपने बोला 100 बुक्स लगेंगी इफ यू वॉन्ट टू परचेज दिस कार. किसी के पास लैपटॉप था, यू सेड 5 लैपटॉप्स लगेंगे इफ यू वॉन्ट टू परचेज दिस कार. तो आपने क्या करा, अपनी कार के वैल्यू के हिसाब से सबसे सबकी वैल्यू अलग अलग रखी. दैट अगर बुक्स दोगे तो 100 बुक्स देनी पड़ेंगी, लैपटॉप दोगे तो 5 लैपटॉप देने पड़ेंगे, बाइक दोगे तो 2 बाइक देनी पड़ेगी. यस, यस मैम. दिस इज कॉल्ड पेगिंग सिस्टम. सो इन दिस सिस्टम द वैल्यू ऑफ करेंसीज इज पेग्ड और फिक्स्ड टू द मेजर करेंसी, जो सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी है. जैसे करंटली अभी सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी है डॉलर, तो उसके हिसाब से क्या होगा, सबकी वैल्यू रखी जाएगी कि इंडियन रुपी इतना होगा डॉलर के हिसाब से, इसका यूएस सॉरी दुबई का करेंसी इतना होगा यूएस डॉलर के हिसाब से, लाइक दैट. क्लियर? ओनली इट इज लाइक इट्स डिपेंड ऑन द करेंसी. यस, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी को बीच में रखा जाता है और उसके हिसाब से सबकी करेंसी की वैल्यू बताई जाती है. ओके, या इसलिए ऑल अंडर द सिस्टम ऑल द करेंसीज वर पेग्ड टू यूएस डॉलर, राइट, एट द फिक्स एक्सचेंज रेट. सो यूएस डॉलर के हिसाब से सारी करेंसी पेग हुई क्योंकि यूएस डॉलर सबसे ज्यादा स्ट्रांग है. ठीक है, यस मैम. ओके. सो नाउ वी स्टिल हैव 2-3 मिनट्स. सो यू जो भी हमने पढ़ा है जल्दी से रिवाइज करो अपनी नोटबुक्स एंड लेट मी नो इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी लाइन और कुछ चीज क्लियर नहीं. ओके मैम. कूल डाउन मैम. नो नो प्रॉब्लम्स. नो 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 देयर. व्हाट इज द मैनेज्ड वन, दिस मैनेज्ड वन. नो नो, दिस डोंट वरी, वी विल डिस्कस इट ऑल. ओके जैसे देन फिक्स डाउन. वैसे ही या फ्लेक्सिबल देन डिस्कस करेंगे, वैसे ही मैनेज. ओके, यू कैन रीड इट फ्रॉम योर नोट्स. नोट्स में लिखा है ना, या व्हाट पढ़ सकते हो अगर अबाउट दिस लाइन, प्रॉब्लम. विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सचेंज विद द अदर कंट्री एंड दिस टू लाइंस विद विद द हेल्प एंड ऑफ दिस, द एक्सचेंज रेट विद द अदर कंट्रीज डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ डिफरेंस बिटवीन द एक्सटर्नल यूनिट केप्ट बाय बोथ द कंट्रीज, राइट? तो अब ये फिक्स एक्सचेंज रेट की वजह से क्या होता है,
जो आपने वैल्यू रखी है और जो बाहर उसकी वैल्यू, उसको कंपेयर करेंगे। जैसे आपकी गोल्ड की करेंसी 100, आपकी गोल्ड की कीमत 100 थी और मेरे 10 थी, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और उसी को, उसके वजह से ही